Hey guys, my name is Tejasvi and welcome to 95 channel. अभी मैं हूँ पुणे में एंड यहाँ से मैं एक बहुत ही फेमस प्लेस पे जाने वाली हूँ पुणे के, दैट इज आगा खान पैलेस. वहाँ पे गांधी जी का म्यूजियम है. तो मैं आपको इस वीडियो में उस प्लेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने वाली हूँ एंड ऑल्सो वहाँ के एंट्री टिकट से लेके जो भी है अंदर उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ. तो अभी मैं स्टे कर रही हूँ हिंजेवाड़ी में एंड यहाँ से आगा खान पैलेस से 1 आवर की डिस्टेंस पे. तो चलो चलते. हिंजेवाड़ी टू आगा खान पैलेस का जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. पुणे में काफ़ी हिस्टोरिक प्लेसेस है देखने जैसी. लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने सिंहगढ़ पर वीडियो बनाया था. अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो. वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है. सो गाइज, मैं अभी आगा खान पैलेस पहुँच गई हूँ एंड ये है उसका पार्किंग एरिया. तो अगर आप आपके 4-व्हीलर से अगर आते हो तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो. बहुत ही बड़ी जगह है ये. अब सबसे पहले जाएंगे टिकट काउंटर. यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है. टिकट का कॉस्ट है ओनली 25 रुपीज पर पर्सन. तो वो लेके हम पहले अंदर जाएंगे. टिकट लेके अंदर आने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा पैलेस है एंड बहुत ही सुंदर दिख रहा है. एंड ये एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिक लैंडमार्क है पुणे का. यहाँ एंट्री करते ही अलग अलग गैलरीज है एंड उनमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. आगा खान पैलेस, ये सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान इन्होंने 1892 में बिल्ड किया था एंड यही पैलेस ईयर 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट किया गया. आगा खान पैलेस, ये प्लेस महात्मा गांधी जी से कनेक्टेड है बिकॉज 1942 में गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी एंड उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और उनके कुछ लोग को अरेस्ट किया गया था एंड उन्हें यहाँ इस प्लेस में कैद करके रखा था. तो इसीलिए इसे प्रिजन ऑफ गांधी ये नाम से भी जाना जाता है. आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी जी उनका बहुत ही बड़ा एंड सुंदर म्यूजियम बनाया गया एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अंदर बताई गई है. आप जब भी यहाँ आओगे तो ये सब आप रीड कर सकते हो. इसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताई गई है एंड ऑल्सो यहाँ एक गैलरी में महात्मा गांधी जी के कुछ वो टाइम की चीज़ें भी रखी हुई है. तो वो भी आपको देखने मिल सकती है. आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी जी एंड उनके लोगों को अरेस्ट करने के 6 डेज बाद ही उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी और 18 मंथ्स के बाद, दैट इज़ फरवरी 22, 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनकी भी यहाँ पर डेथ हुई थी एंड यही पर बाहर उनकी बहुत ही सुंदर समाधि भी बनाई गई है. अब आफ्टर वॉचिंग गैलरी आप बाहर आके टूअर्ड समाधि की तरफ जा सकते हो. यहाँ कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई इनकी समाधि बनाई गई है एंड ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी जी उनकी कुछ एशेस को भी यहाँ आगा खान पैलेस में लाया गया था, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी इनके समाधि के पास. तो बहुत ही सुंदर म्यूजियम है ये एंड यहाँ आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. ये प्लेस अपने हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो आप ये एक बार ज़रूर विजिट करना. यहाँ अंदर ही वॉशरूम एंड छोटा सा कैंटीन है जहाँ आपको छोटा मोटा स्नैक्स जो है वो मिल जाएगा एंड ऑल्सो बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ आप बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हो. सो गाइज, ये था आगा खान पैलेस एंड उसकी हिस्ट्री. बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्लेस है ये. आप जब भी पुणे आओगे तो ये प्लेस पर ज़रूर आना. बहुत कुछ है यहाँ पर देखने जैसा एंड बहुत ही लेस क्राउडेड प्लेस है. एंड गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.